हाय गाइज, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, वीवो आईपीएल 2020 बहुत ही जल्दी आने वाला है। शेड्यूल रिलीज हो चुका है, कब से मैच होंगे, कहां कहां होंगे, सारी डिटेल बाहर आ चुकी हैं। सारी चीज़ें मैं यहां पर आपके साथ शेयर करूंगा, क्या करना है, कैसे देखना है, आपको कौन सी वेबसाइट से मिलेगा, पूरी डिटेल यहां पर बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक खास निवेदन कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीवो आईपीएल 2020 से जुड़ी हुई हर खबर मैं आपको इस चैनल पर बताता रहूंगा। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीवो आईपीएल का ऑफिशियल जो शेड्यूल है वो कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप गूगल पर सर्च कर लीजिए वीवो आईपीएल 2020। जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहां पर नीचे देखिए आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी, ये रहा IPL2020.com। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अनाउंसमेंट का एक टैब दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। फिर यहां पर आप नीचे देखेंगे कि यहां पर एक अनाउंसमेंट अभी हुआ है, BCCI अनाउंसेस शेड्यूल फॉर वीवो, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे आप देखेंगे कि यहां पर एक लिंक दिया गया है, द कंप्लीट फिक्चर्स ऑफ द लीग स्टेज ऑफ वीवो आईपीएल 220 कैन बी एक्सेस बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। तो इस लिंक के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अभी हमारे मोबाइल में ये शेड्यूल जो है वो डाउनलोड हो रहा है और अभी यहां पर ओपन होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे सामने वीवो आईपीएल 2020 सीजन शेड्यूल यहां पर आ गया है। पहला मैच शुरुआत होगी 29 मार्च 2020 को संडे की इवनिंग को, मुंबई इंडियन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। उसके बाद 30 मार्च को दिल्ली कैपिटल किंग 11 पंजाब। उसके बाद 31 को होगा रॉयल चैलेंजर्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। 1 अप्रैल को सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियन। 2 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल। 3 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर और दिल्ली कैपिटल। 4 अप्रैल को किंग्स 11 पंजाब एंड सनराइजर्स हैदराबाद। मैच कहां होंगे, वेन्यू यहां पर लास्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 5 को है मुंबई इंडियंस, आफ्टरनून में होगा रॉयल चैलेंजर के साथ और इवनिंग में होगा राजस्थान रॉयल के साथ दिल्ली कैपिटल का। 6 अप्रैल को होगा कोलकाता नाइट राइडर के साथ चेन्नई का। 7 तारीख को होगा रॉयल चैलेंजर्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद। 8 तारीख को होगा किंग 11 पंजाब के साथ मुंबई इंडियन। 9 अप्रैल को होगा राजस्थान रॉयल के साथ कोलकाता नाइट राइडर। 10 अप्रैल को होगा दिल्ली कैपिटल के साथ रॉयल चैलेंजर। 11 अप्रैल को होगा चेन्नई सुपर किंग के साथ किंग 11 पंजाब। 12 को 2 मैच होंगे, एक होगा आफ्टरनून में सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज राजस्थान रॉयल और शाम को होगा कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस मुंबई इंडियन। 13 को होगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। 14 अप्रैल को होगा किंग 11 पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर। 15 को होगा मुंबई इंडियन वर्सेस राजस्थान रॉयल। 16 अप्रैल को होगा सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर। 17 को होगा किंग 11 पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। उसके बाद 18 को होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेज राजस्थान रॉयल और 19 को 2 होंगे, एक मैच होगा आफ्टरनून में दिल्ली कैपिटल वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर और शाम को होगा चेन्नई सुपर किंग वर्सेज सनराइजर्स हैदराबाद। 20 अप्रैल को होगा मुंबई इंडियन वर्सेज किंग 11 पंजाब। 21 को होगा राजस्थान रॉयल वर्सेज सनराइजर हैदराबाद। 22 को होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेज दिल्ली कैपिटल। 23 को होगा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस किंग 11 पंजाब। 24 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग वर्सेस मुंबई इंडियन। 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। 26 अप्रैल को 2 मैच होने हैं, किंग 11 पंजाब वर्सेस कोलकाता और शाम को होगा सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल। 27 अप्रैल को होगा चेन्नई सुपर किंग वर्सेज रॉयल चैलेंजर। 28 अप्रैल को मुंबई इंडियन वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर। 29 अप्रैल को राजस्थान रॉयल वर्सेज किंग 11 पंजाब। 30 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज चेन्नई सुपर किंग। 1 मई को मुंबई इंडियन वर्सेज दिल्ली कैपिटल। 2 मई कोलकाता नाइट राइडर वर्सेज राजस्थान रॉयल। 3 मई को रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेज किंग 11 पंजाब और शाम को होगा दिल्ली कैपिटल वर्सेज सनराइजर हैदराबाद। 4 मई को राजस्थान रॉयल वर्सेज चेन्नई सुपर किंग। 5 मई को सनराइजर हैदराबाद वर्सेज रॉयल चैलेंजर। 6 मई को दिल्ली कैपिटल वर्सेज मुंबई इंडियंस। 7 मई को चेन्नई सुपर किंग वर्सेज कोलकाता नाइट राइडर। 8 मई को
किंग 11 पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल, 9 मई को मुंबई इंडियन वर्सेस सनराइजर हैदराबाद, 10 मई को चेन्नई सुपर किंग वर्सेस दिल्ली कैपिटल और शाम को होगा कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, 11 मई को होगा राजस्थान रॉयल वर्सेस मुंबई इंडियन, 12 मई को होगा सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस किंग 11 पंजाब, 13 मई को होगा दिल्ली कैपिटल वर्सेस राजस्थान रॉयल, 14 मई को होगा रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग, 15 मई को होगा कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, 16 मई को होगा किंग 11 पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल, 17 मई को होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस मुंबई इंडियन। तो दोस्तों ये यहाँ पर पूरा का पूरा शेड्यूल है जो बीसीसीआई द्वारा बताया गया है, इसमें चेंजेज हो सकते हैं लेकिन हाल फिलहाल ये बताया गया है। यहाँ पर नीचे लिखा है प्लीज नॉट दैट द शेड्यूल मे बी सब्जेक्ट टू चेंज फॉर एनी रीजन एज मे बी रिक्वायर्ड इन द सॉल डिस्क्रिशन ऑफ बीसीसीआई, मतलब अगर ज़रूरत पड़ती है तो बीसीसीआई द्वारा इसको चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पर नीचे इनके सारे ऑफिशियल पार्टनर दिखाई दे रहे हैं और बाकी टीम के लोगोज हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।